हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हॉट स्पॉट में स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए एक खास वीडियो लाया हूं, जिसके अंदर जो अभी भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति जारी की है उसके ऊपर आज वीडियो होने वाला है। तो ये वीडियो आप के परिवार और आपके बच्चे और आप के लिए बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि इसके अंदर बताया गया है कि किस किस वर्ग को या किस किस क्लास के लिए क्या क्या अलग अलग शिक्षा नीति जारी की गई है। तो सारी डिटेल जो भी आपको जानना चाहते हैं वो सारी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि अगली नई वीडियो आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाद भारत में नए लड़ाकू विमान आए हैं, एक भारत में आया बहुत बड़ा बदलाव है, और 34 वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। यानी भारत में आज दो बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। इसलिए रफाल के बाद अब हम नई शिक्षा नीति की बात करेंगे। कहते हैं जब किसी देश में कोई बड़ा बदलाव करना हो तो सबसे पहले उसकी शिक्षा नीति को बदलना चाहिए, और आज इसकी शुरुआत हो गई है। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आज इस नई शिक्षा नीति की घोषणा की है। इसलिए आज हम आप सबको बताएंगे कि इससे देश के तमाम छात्रों, उनके परिवार और उनके माता पिता के जीवन में अब क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। अगर आप छात्र हैं या किसी छात्र के माता पिता हैं तो आपको ये सारी जानकारियाँ बहुत ध्यान से सुननी चाहिए, और अगर आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। तो अब आपको बड़े बड़े बदलाव बताते हैं। अब तक भारत की स्कूली शिक्षा व्यवस्था 10+2 के फॉर्मेट पर चलती थी, लेकिन अब इसे 5+3+3+4 के फॉर्मेट में बदल दिया गया है। इसके तहत स्कूल के पहले 5 वर्षों की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी, यानी इस दौरान छात्रों के लिए मजबूत नींव तैयार की जाएगी। इसका करिकुलम NCERT द्वारा तैयार किया जाएगा, और इसमें प्री प्राइमरी के 3 वर्ष और पहली और दूसरी कक्षा का 1-1 वर्ष शामिल होगा, यानी प्री प्राइमरी के 3 साल और फिर पहली और दूसरी कक्षा के 2 साल। इसके तहत बच्चों को खेल कूद और अलग अलग गतिविधियों के जरिए पढ़ाई कराई जाएगी, यानी इन कक्षाओं के छात्रों के लिए किताबों का बोझ अब पहले जितना नहीं होगा। इसलिए हम कहेंगे कि जो छोटे बच्चे अब स्कूलों में जाएंगे और अपने शिक्षा की यात्रा को आरंभ करेंगे, वो बहुत किस्मत वाले होंगे। इसके बाद अगले 3 साल यानी तीसरी कक्षा से 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई के दौरान छात्रों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। इसके तहत छात्रों का परिचय विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान और ह्यूमैनिटीज जैसे विषयों से करवाया जाएगा। इसके अगले 3 साल मिडिल स्टेज माने जाएंगे, और इसमें कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के छात्र शामिल होंगे। इस स्टेज में छात्रों को तय पाठ्यक्रम के मुताबिक पढ़ाया जाएगा, और इसके बाद 9वीं से 12वीं कक्षा तक इस फॉर्मेट की 4 वर्षों वाली आखिरी स्टेज होगी। ये 4 साल की स्टेज होगी। इसमें छात्रों में किसी विषय के प्रति गहरी समझ पैदा की जाएगी, उनकी विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा और उन्हें जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब स्कूलों में पहले जैसा स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा। इसका मतलब यह है, यानी अगर आर्ट्स का कोई छात्र फिजिक्स की पढ़ाई करना चाहता है तो अब वो ऐसा कर पाएगा, और अगर अकाउंट्स का कोई छात्र, कॉमर्स का कोई छात्र इतिहास की पढ़ाई करना चाहता है तो वो भी ऐसा कर सकता है। लेकिन संभव है कि इसके लिए अलग अलग विषयों का एक पूल तैयार किया जाएगा, और आपको उस पूल से ही अपनी पसंद के विषयों का चुनाव करना होगा। यानी अगर विज्ञान के छात्र को इतिहास में दिलचस्पी है और उसके पूल में ये दोनों विषय शामिल हैं, तब ही छात्र इनकी पढ़ाई एक साथ कर सकता है। हालांकि अभी इस पर पूरा स्पष्टीकरण आना बाकी है, लेकिन पहले की जो व्यवस्था होती थी, हमारे यहाँ 3 स्ट्रीम्स मानी जाती थी, या तो आप साइंस लेते थे, या कॉमर्स लेते थे, या आर्ट्स यानी ह्यूमैनिटीज लेते थे। और अगर आपने ह्यूमैनिटीज लिया है तो आप साइंस नहीं पढ़ सकते, अगर आपने कॉमर्स लिया है तो भी आप शायद साइंस नहीं पढ़ सकते, साइंस लिया है तो ह्यूमैनिटीज नहीं पढ़ सकते, ऐसी चीज़ें पहले हुआ करती थी अभी तक। लेकिन अब ये सब बदल जाएगा, अब आप फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं, कॉमर्स भी पढ़ सकते हैं, अकाउंट्स पढ़ सकते हैं एक साथ, इतिहास भी पढ़ सकते हैं और फिजिक्स की पढ़ाई भी कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई अब मातृभाषा, स्थानीय भाषा और आपकी राष्ट्रभाषा में ही होगी, यानी अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त नहीं होगी। माफ कीजिएगा,
अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। अब अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्यता नहीं रहेगी। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। आप अपनी राष्ट्रभाषा में या अपनी लोकल भाषा में पढ़ाई कर पाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप पांचवी कक्षा तक अपने बच्चे को मराठी, संस्कृत या गुजराती भाषा में पढ़ाना चाहते हैं तो अब आप ऐसा कर पाएंगे और अंग्रेजी सिर्फ एक विषय के तौर पर आपको पढ़ाई जाएगी। यानी स्कूलों का जबरदस्ती अंग्रेजीकरण का दौर अब समाप्त हो जाएगा। छठी कक्षा में पहुंचने के बाद छात्रों को कंप्यूटर कोडिंग सीखने का मौका मिलेगा। यानी अब भारत के छात्र चीन जैसे देशों की तर्ज पर छोटी उम्र में ही सॉफ्टवेयर और मोबाइल फोन एप्लीकेशंस बनाने की तकनीक सीख पाएंगे और छठी कक्षा से ही छात्रों को इंटर्नशिप का भी मौका मिलेगा। यानी अगर किसी छात्र की किसी खास विषय में रुचि है और वो उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल करना चाहता है तो वो इस विषय से जुड़ी इंटर्नशिप कहीं भी कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका बच्चा पेंटिंग करने का शौक रखता है तो वो किसी पेंटर के पास अब इंटर्नशिप के लिए जा सकता है। अगर आपके बच्चे को सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है तो वो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में अब अपने स्कूल के दौरान ही इंटर्नशिप कर सकता है। नौवीं कक्षा से बारहवीं कक्षा तक की परीक्षाएं अब सेमेस्टर के आधार पर होंगी। एक साल में दो सेमेस्टर होंगे और हर छह महीने पर एक परीक्षा होगी और दोनों सेमेस्टर्स के अंकों को जोड़कर आपकी फाइनल मार्कशीट तैयार की जाएगी। यानी अब एक छात्र के तौर पर आपको पूरे साल पढ़ाई करनी होगी और आप ये कहकर बच नहीं सकेंगे कि आप सिर्फ फाइनल एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं। इससे पहले आपने देखा होगा बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो साल के सिर्फ आखिर में कुछ समय तक पढ़ते हैं, एक दो महीने पढ़ाई कर लेते हैं और फिर उसके आधार पर वो फाइनल जो परीक्षा होती है उसमें बैठते हैं और उनमें से बहुत सारे लोग अच्छे नंबर ले भी आते हैं। लेकिन ये वो लोग होते हैं जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई नहीं की। अब आपको पूरे साल पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसके अलावा बोर्ड की परीक्षाओं को आसान बनाया जाएगा और इसमें छात्रों की क्षमता पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। रटने की क्षमता नहीं, समझने की क्षमता पर ध्यान दिया जाएगा। ट्यूशन और कोचिंग क्लास के जरिए रट्टा लगवाने की आदत को समाप्त कर दिया जाएगा। बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों को अब उनकी पसंद की भाषा में परीक्षा लिखने की पूरी छूट होगी। उदाहरण के लिए, अगर आप चाहें तो हिंदी या अंग्रेजी में से किसी एक भाषा में अपनी परीक्षा दे सकते हैं। छात्रों के रिपोर्ट कार्ड्स को भी अब पहले की तरह तैयार नहीं किया जाएगा। किसी छात्र को फाइनल मार्क्स देते समय उसके व्यवहार, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में उसके प्रदर्शन और उसकी मानसिक क्षमताओं का भी ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा रिपोर्ट कार्ड को 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर तैयार किया जाएगा। इसमें छात्र खुद को भी अंक देंगे, यानी अपना खुद का भी विश्लेषण करेंगे। विषय पढ़ाने वाले शिक्षक भी छात्र को अंक देंगे और छात्रों के सहपाठी भी उनका आकलन करेंगे। कॉलेज में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए भी इस नई शिक्षा नीति में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। इसलिए जो छात्र अब कॉलेज में इसके बाद जाने वाले हैं वो भी ध्यान से अभी देख लें। अब देश के छात्र कॉलेज में एडमिशन के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे पाएंगे। इसका अर्थ यह है कि अगर 12वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम्स में आपके ठीक नंबर नहीं आए हैं या आपके मार्क्स इतने नहीं आए हैं कि आपको कट ऑफ परसेंटेज के आधार पर सीधे किसी कॉलेज में एडमिशन मिल पाए तो आप कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट भी दे सकते हैं और फिर इस टेस्ट में आपके प्रदर्शन को आपके 12वीं कक्षा के नंबरों के साथ जोड़ दिया जाएगा और उस आधार पर आपको आपके मनपसंद कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा। ग्रेजुएशन की पढ़ाई को 3 और 4 वर्षों के कोर्स ड्यूरेशन में अब बांट दिया जाएगा। पहले अगर आप कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते थे तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिलती थी। या तो आप पूरी पढ़ाई कीजिए और या बिल्कुल मत कीजिए। लेकिन नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अगर आप एक साल के बाद कॉलेज छोड़ देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये आपका सर्टिफिकेट कोर्स माना जाएगा। अगर आपने कॉलेज का फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया और उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी तो आपको सर्टिफिकेट कोर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा। इसी तरह अगर आप सेकंड ईयर पास करने के बाद 2 साल के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा और अगर आप थर्ड ईयर यानी 3 साल की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो आपको बैचलर्स डिग्री दी जाएगी और अगर आप 4 साल का कोर्स करके बैचलर्स डिग्री लेना चाहते हैं तो आपको रिसर्च के सर्टिफिकेट के साथ ये डिग्री मिलेगी। इससे उन छात्रों को बहुत फायदा होगा जो कॉलेज के दौरान किसी प्रोजेक्ट पर काम कर चुके हैं। 4 वर्ष के इस कोर्स में स्कूल के छात्रों की तरह कॉलेज के छात्र भी अलग अलग विषयों की पढ़ाई एक साथ कर पाएंगे। इस व्यवस्था को मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट वाली व्यवस्था कहा जाता है।
यानी छात्र जब जिस विषय की पढ़ाई करना चाहेंगे तो वो ऐसा कर सकेंगे, और जब वो ये पढ़ाई छोड़ना भी चाहेंगे तो ये काम भी आसानी से कर सकेंगे। इसीलिए इसे मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट कहा गया है। आप जब चाहे एंट्री ले सकते हैं और एग्जिट भी कर सकते हैं जब चाहे। इसके अलावा एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा। इसके तहत अगर आप एक से ज्यादा कोर्स एक साथ करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर पाएंगे, और जिस कोर्स को आप जहां तक कंप्लीट करेंगे उसके अंक इस क्रेडिट बैंक में जमा हो जाएंगे, और फिर जब आप फाइनल डिग्री के लिए कोई कोर्स करेंगे तो उस क्रेडिट को इसमें जोड़ दिया जाएगा। ये पूरी व्यवस्था पूरी तरह से डिजिटल होगी, ऑनलाइन होगी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और उनकी टीम ने इस नई शिक्षा नीति पर आज क्या कहा, ये भी आज आपको सुन लेना चाहिए। कि पूरी दुनिया में शायद इससे बड़ा परामर्श, विचार विमर्श कभी नहीं हुआ होगा। इतना बड़ा नवाचार, ये दुनिया के लिए एक उदाहरण है। जब किसी नीति पर देश के कोने कोने से, अभिभावकों से, छात्रों से, अध्यापकों से, विशेषज्ञों से, शिक्षाविदों से, राजनीतिज्ञों से, जनप्रतिनिधियों से, और यहाँ तक कि 125,000 ग्राम समितियों से विचार विमर्श किया गया हो, यह बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था, और इसलिए आज का ये जो परिवर्तन है और जो नई शिक्षा नीति है, मुझे विश्वास है कि पूरा समाज और सभी देशवासी इसका स्वागत करेंगे, और दुनिया के शिक्षाविद भी इसको निश्चित रूप से सराहना करेंगे। आज की व्यवस्था में यदि 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश मैं आगे नहीं पढ़ सकता हूं, तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है, मैं आउट ऑफ द सिस्टम हो जाता हूं। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम में ये रहेगा कि 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3 या 4 साल के बाद डिग्री, यानी और मल्टीपल एंट्री थ्रू एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जो नीचे बुलेट है कि मेरे जो क्रेडिट फर्स्ट ईयर के हैं, सेकंड ईयर के हैं, जैसे बैंक के सेविंग अकाउंट होते हैं, वैसे ही एकेडमिक क्रेडिट में डिजी लॉकर के माध्यम से हमारे वहाँ पर क्रेडिट रहेंगे। सो दैट इन द थर्ड ईयर इफ आई वांट टू टेक ए सेबेटिकल फॉर ए ईयर, आई वांट टू टेक ए ब्रेक फॉर एनी रीजन, फैमिली कंडीशन और अदरवाइज फॉर सम टाइम, and I return after a fixed period, within a fixed period of which will be prescribed by the new Higher Education Commission. If I come back to the education system, I will not be asked to repeat the first and second year. My credits are already there in the academic credit bank. I will utilize those credits for my further education. आप सब जानते हैं कि अभी 10+2 स्ट्रक्चर है, जिसमें जो पहले 10 वर्ष हैं उनका एक तरह से फेज वाइज करिकुलम होता है, फिर सडनली जब आप सेकेंडरी में हैं, प्लस टू में जाते हैं, तो सब्जेक्ट जो है स्पेशलाइजेशन होने लगती है। यहाँ पर जो हम सिस्टम लेकर के आए हैं वो 15 वर्ष का जो आप देख रहे हैं 5+3+3+4, उसमें 3 वर्ष तो पूर्व प्राथमिक है। उसी तरह जो +4 लिखा है वो 9th to 12th है। इसमें भी जैसा कि सर कह रहे थे, जैसा हायर एजुकेशन में है, कोई स्ट्रीम्स नहीं है, मल्टीडिसिप्लिनरी होगा। अगर बच्चा फिजिक्स के साथ, जैसा सर ने कहा, फैशन स्टडीज लेना चाहे, बेकरी कन्फेक्शनरी कुछ पढ़ना चाहे केमिस्ट्री के साथ, इट विल बी परमिटेड। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अब स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में संस्कृत भाषा को भी बढ़ावा दिया जाएगा। संस्कृत के विश्वविद्यालयों में अलग अलग विषयों की पढ़ाई संस्कृत में कराई जाएगी। स्कूल और कॉलेज में भी संस्कृत की पढ़ाई पर जोर दिया जाएगा। IITs की शिक्षा व्यवस्था को भी पहले से ज्यादा समग्र बनाया जाएगा, और अब इन उच्च शिक्षा संस्थानों में आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के विषय भी पढ़ाए जाएंगे। इससे आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के छात्र विज्ञान की जानकारियों का इस्तेमाल दूसरे क्षेत्रों में अपनी स्किल्स को बेहतर करने के लिए कर पाएंगे।
कुल मिलाकर अब देश की शिक्षा व्यवस्था ऐसी होगी कि छात्र व्यावहारिक ज्ञान हासिल करके देश के लिए बड़े बड़े आविष्कार कर पाएंगे। संगीत, कला और साहित्य को देश के हर कॉलेज में पढ़ाया जाएगा और अब उन पेरेंट्स को और छात्रों के लिए भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो स्कूल और कॉलेज की फीस को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं। इसके तहत नए नियम निर्धारित किए जाएंगे और स्कूल और कॉलेज एक निश्चित फीस से ज्यादा पैसा आपसे नहीं ले पाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि नई शिक्षा व्यवस्था, ये नई नीति लागू कब से होगी, तो यहाँ आपको बता दें कि इसके लिए जो बिल तैयार किया गया है उसका नाम है नेशनल हायर एजुकेशन बिल। इस बिल को फिलहाल कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और अब इसे संसद में पेश किया जाएगा और इसके बाद ये कानून की शक्ल ले लेगा और फिर राज्य सरकारों को भी इस पर कानून बनाकर अपने अपने राज्यों में इसे लागू करना होगा। इसी शिक्षा नीति की घोषणा के साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम भी अब बदल दिया जाएगा और अब इसका नाम हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय, जो कि बहुत सरल है और ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए था। नई शिक्षा नीति को तैयार करने के लिए 2 लाख से ज्यादा लोगों की राय ली गई और इसी के बाद इस नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। यह शिक्षा नीति वर्ष 2021 और 2022 के एकेडमिक सेशन तक लागू हो जाएगी, यानी आपका जो अगला एकेडमिक सेशन होगा जो 2021 में शुरू होगा वो इस नई शिक्षा नीति के साथ, नए नियमों के साथ लागू होगा। इस नीति की घोषणा आज शाम को ही हुई है, इसलिए हमारी टीम अब भी इसका विश्लेषण कर रही है क्योंकि ये जो पूरी शिक्षा नीति है इसे पढ़ने में अभी और बहुत समय लगेगा, इसकी बहुत सारी क्वेरीज हैं, हमारे मन में भी इसे लेकर बहुत सारे सवाल हैं, इसलिए हमारी जो टीम है, हमारे रिपोर्टर्स की टीम, हमारा न्यूज़ रूम और हमारे जो रिसर्च करने वाली जो टीम है वो लगातार इसे पढ़ रही है, इसका विश्लेषण कर रही है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनमें हम भी सरकार से और सवाल करना चाहते हैं, इसलिए हम धीरे धीरे इसका विश्लेषण करते रहेंगे अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग फेजेस में, और वो विश्लेषण हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और हो सकता है कि अभी इसकी कई बातों पर सरकार की तरफ से आगे आने वाले समय में और भी स्पष्टीकरण आए, और जैसे ही कोई नई बात या इसमें कोई नया सुधार या कोई अपडेट हमारे पास आएगा हम उसकी जानकारी भी आपको जरूर देंगे, क्योंकि ये देश का भविष्य बदलने वाली खबर है, इसलिए हम इस खबर का लगातार फॉलो अप करते रहेंगे। वैसे तो आपने देखा होगा हमारे देश का जो मीडिया है वो अलग अलग खबरों में व्यस्त रहता है, लेकिन हमें ये लगा कि आज की जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है वो यही है, क्योंकि ये खबर सीधे आपके बच्चों के जिंदगी पर, उनके जीवन पर असर डालेगी, और आपके बच्चों के जीवन पर अगर असर डालेगी तो आपके जीवन पर तो असर जरूर ही डालेगी, इसलिए इस खबर से हर परिवार जुड़ा हुआ है। आप भी इस नई शिक्षा नीति को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें लिख सकते हैं, हम सरकार से बात करके आपके मन में अगर कोई शंका है तो उसे दूर करने की आगे भी